Namaskar, main hu Garima Kumar aur aap dekh rahe hain Zee Companion. Now hear this. Live in the world as if the whole world belongs to us. Depart from the world as if nothing belongs to us. अब इतने प्रभावशाली स्टेटमेंट करने के बाद इसको हम कैसे अचीव करें? Well, I have with me an extremely noted scholar, a spiritual thinker, an author, and a very, very compassionate human being and humanitarian, Mr. Satpathy, who's here with me. He is an ardent devotee of his master, a friend, philosopher, and guide to millions of people. We're really happy to have you with us. Welcome to the show, Mr. Satpathy. Thank you. धन्यवाद. तो मैं आपके बारे में, of course, बहुत मैंने लोगों के आपके बारे में बहुत पढ़ा है and लोगों से बात भी की है और जिससे भी मैंने बात की उन्होंने मुझे एक चीज कहा है कि सतपथी जी से मिलते ही कुछ क्षण भी मिले जिंदगी बदल जाती है. तो ऐसा आप क्या करते हैं कि जिंदगी बदल जाती है लोगों की? लोग वही ग्रहण करते हैं जो उनके अंदर शक्ति है. रिसीवर एज इज इम्पॉर्टेंट एज द अनाउंसर. सो जिसमें भलाई होगा किसी के पास से अच्छा तो ले लेगा ना वो. सो इट्स जो मतलब जो वो सीख करते हैं समय आप वो चीज उनको राह दिखाते हैं या कैसे? मतलब आपने जो बात बोली वो बहुत सिंपल साउंड करती है बट आई एम श्योर वो इतनी आसानी से लोगों को समझ में ना आए. इसलिए कि किससे पहले मुलाकात हो वो क्या इससे बोले कि बहुत प्रभावित कोई हो जाए. करेक्ट. ऐसे होता नहीं. ऐसे गॉड गिवन कैपिटल क्या है कि पानी हवा इसको मिट्टी कहते हैं गॉड गिवन कैपिटल. भगवान ने हम सबको गॉड गिवन कैपिटल दिया. हम किससे मिले? एक मधुर दृष्टि दे सकते हैं, एक स्वीट स्माइल दे सकते हैं. करेक्ट. एक प्यार से टच कर सकते हैं, जितने भी बोले उतने मधुरता से कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ व्हाट एवर ही इज और शी इज एज अ नॉर्मल मैन, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर इज द फर्स्ट थिंग. राइट राइट. सेकेंडली अगर कोई कुछ पूछे जितना आता आपको समझ में उतना बोलिए. नहीं आता है तो कहेंगे चलिए हम ढूंढ के उत्तर लाएंगे. सब उत्तर हमारे पास है नहीं. अब उसके प्रयास करेंगे. लेकिन आप तो काफी यूज्ड होंगे क्योंकि आपसे तो लोग आते हैं उत्तर जानने के लिए. बिकॉज़ दे लुक एट यू एज समबडी हु इज अ स्पिरिचुअल वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड एक ऐसे इंसान जो जितने सवाल हमारे जीवन में है उसका आंसर अगर कोई दे सकता तो आप दे सकते. तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है आपको इससे. देखिए एक हमारे उपनिषद में एक उपनिषद प्रश्नोपनिषद उसी में जो सटीक आदमी है सही आदमी वो कभी नहीं कहेगा कि वो सब प्रश्न उत्तर जानता हो. वो कहेगा कि मैं कुछ जानता हूँ तुम भी कुछ जानते हो हम दोनों नहीं जानते चलो ढूंढे और कहें प्रश्न का उत्तर ले. यहाँ अहंकार नहीं होता है ज्ञान की. तो सबका प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा. प्रयास किया जाएगा परिश्रम होगा. करेक्ट. तो आपने ये प्रयास ये परिश्रम कब शुरू किया जिंदगी में? एक तो जो कि आपके डीएनए चरित्रगत होगा, दूसरे आपके एजुकेशन में टीचर लेक्चरर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी वे बैक इन 70 एज ए टीचर उसके कवर किया. और बाकी टीचर्स का जो फॉर्मूला है पढ़ते पढ़ते सहजता से चले तो ठीक है. इसके लिए कोई फॉर्मूला को जोड़ने तो नहीं पड़ता है ना. और पिता माता बनने के बाद कोई भी अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं? जिस भाव से समझते हैं उत्तर ढूंढ के समझाते हैं. लोगों को जब हम उत्तर देते हैं उसी भाव से हमको रखना चाहिए कि सच्चाई के कितने निकट हम हैं. ज्ञान को दिखाने के लिए उत्तर जरूर देना कि इसका कोई आवश्यकता है नहीं, ये हमको देना ही है नहीं तो लोग क्या समझेंगे, ये ठीक नहीं है. करेक्ट. सो वैसे तो आप बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत सब आपको जानते हैं, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर उनको आप थोड़ा बता सकें आपकी जो जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी रही है वो कैसे शुरू हुई, क्या टर्निंग पॉइंट आया आपकी ज़िंदगी में जिससे आप यू वेंट यू नो यू चोज द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, तो थोड़ा अगर आप हमको बता सकें अपने बारे में. हम लोग एक पहली बात जो हमारा दृष्टिकोण है नज़रिया कि स्पिरिचुअलिज्म मटेरियलिज्म दो अलग चीज़ है. स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म दो अलग चीज़ ये सही नहीं है. विज्ञान और आध्यात्मिक अलग चीज़ है ये नहीं है. ये सब मिलके चलते हैं. That's a very nice point. को लोग को लगता है कि spiritual इंसान materialistic नहीं हो सकता या फिर non. अगर विज्ञान साइंस एडवांस नहीं करता आध्यात्मिक बारे में हम इंटरव्यू के बाद कैसे करते? टेलीविजन कहाँ से, लाइट कहाँ से, आप कहाँ से, मैं कहाँ से, स्टूडियो कहाँ से?
सो विज्ञान के माध्यम से आज ईश्वर प्रकटित हो रहे हैं। काल कभी ज्ञान का मेडिटेशन के थ्रू हुए थे, कभी योग में हुए थे, कभी यज्ञ में हुए थे। आज विज्ञान के थ्रू प्रकृति के प्रकट होना ज्ञान हमको बढ़ा रहा है, जो हमारे जीवन को सहज कर दिया है ना। तो ये दोनों मिलके चलते हैं। मैं तो पढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किया लेक्चरर था, बट मैं उड़ीसा से हूँ, कुछ पारिवारिक छाप भी अपने पर है। मेरे पिता 35, 36 से 39 तक यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ लंदन से बी ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किए थे। अच्छा, तो आपका लंदन कनेक्शन भी है। हाँ, काफ़ी है। एंड यू वॉज टीचिंग इन हर्टफोर्डशायर स्कूल, वेंट बैक इन आई थिंक जुलाई, रॉयल Viceroy, there was a ship which was torpedoed in 1945. In that, I got the tickets. I went back to bring mother. Second World War ho gaya, aane paaye. Oh, acha. Then, to wo English aur Sanskrit dono mein kafi vidwan the, hai na? Aur parivarik chhap ispe kafi hai. Odisha ka mitti kafi religiously strong hai, culturally. We got the dances formula. कुछ घर से आता है और कुछ जीवन के चलते चलते आप पिकअप कर लेते हैं। ऐसे ही हुआ सामान्य। मुझे कोई ऐसे नहीं हुआ कि कोई ड्रीम देखा मेरे मान, कोई ड्रीम देखी, कोई साध हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य जीवन में सामान्य रहना मुश्किल है, असामान्य बात कहाँ से करेंगे। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विल बी ऑर्डिनरी, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स टू ऑर्डिनरी। वेयर टू गो फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सप्लेनेशन अबाउट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। That's so true. इतनी अच्छी बात है कि the most extraordinary thing to be is to be ordinary. We can't be ordinary even. छोटे मोटे जेलसी मन से जाती नहीं, झगड़ा कर लेते हैं, छोटे मोटे आकर्षण आता नहीं, इसके बीच में अलौकिकता का प्रदर्शन क्या खोज करें? Correct. जैसे आपने कहा कि छोटे मोटे जेलसी आ जाती है, गुस्सा आ जाती है, आदमी मात्र क्या आएगा, ये तो जेनेटिक केमिकल फॉर्मूला बॉडी का है ना। जेनेटिक केमिकल फॉर्मूला, बाकी गुस्सा तो आएगा, ब्लड प्रेशर हाई बढ़ेगा, सब आ जाएगा। हम माने बाय माइंड हम उसको कंट्रोल करते हैं, बाय रिलीजन और फिलोसफी आ रहे वी कंट्रोल द मोर, ये सोच के कि चलिए शांति रखने के लिए सबको इन को रोकना पड़ेगा। मैं जैसे कहता हूँ, देखो उसी खाने उसी आग से आप खाना पका सकते हैं, घर जला सकते हैं। That's so true. वही आग जो खाना बना सकती है या फिर घर जला सकती है। करेक्ट। एंड सेकेंडली, हमारे जो ये सब जो नेगेटिव क्वालिटीज है, सपोज हमको कोई दुख पहुंचा, आपको पहुंचा, घर में कोई मृत्यु हो गई, छोटे बच्चे की कुछ हो गया, लेट्स से समथिंग, हम उसके ऊपर रोते रहे तो हम सिर्फ अपने को संभाल नहीं पाएंगे। अगर उसको हम क्रिएटिव करते तो अच्छा है, अपने दुख को ना सृजनात्मक करना चाहिए। मेरे घर में बच्चा मर गया, दूसरों के बच्चा ना मरे, मैं क्या कर सकता हूँ निकल के। गिव अ डायमेंशन टू एवरी एस्पेक्ट। स्पिरिचुअलिज्म नथिंग बट द एक्सपेंस ऑफ द स्पिरिट टू ऑब्जर्व अदर्स, नॉट ओनली मी। कैन यू रिपीट दैट? व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? इज द एक्सपेंस ऑफ द स्पिरिट इन अ मैन टू ऑब्जर्व अदर्स पेन। आई फील पेन बिकॉज समबडी डाइड इन माय हाउस प्रीमैच्योरली, व्हेरएज अदर पीपल आर डाइंग प्रीमैच्योरली। इफ आई डोंट हैव द सेंसिटिविटी, माय स्पिरिट, आई एम नॉट स्पिरिचुअल, I may be a rational, normal family man. वही जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि स्पिरिचुअलिज्म का भी जो जो एक वो होता है, मतलब लोगों को मतलब अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है। सिंपल आपको बता दिया, स्पिरिट एक्सपैंड करके आप दूसरों को अब्सॉर्ब करना, एसिमिलेशन ऑफ अदर्स। हम लिमिटेड है, लेट अस एक्सेप्ट अदर्स, दूसरों का लिमिटेशन को गाली देके फायदा किया जब हम ही लिमिटेड है। हम लिमिटेड नहीं है क्या? स्पिरिचुअलिज्म माने पहले वो अपने स्पिरिट को ठीक समझा जाए, पहले अपने स्पिरिट को ठीक समझा जाए, अपने सीमाओं को अंका जाए, फिर जाके और कुछ किया जाए। करेक्ट, वेरी ट्रू। क्योंकि लोग समझते हैं स्पिरिचुअल होना मतलब सुबह उठ के मेडिटेट करना, यू नो वही साधु संत स्पिरिचुअल हैं, हम लोग ऑर्डिनरी हैं तो हम लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, यू नो। देखिए, स्पिरिट को बढ़ाने के लिए ये सब करना नेसेसरी आवश्यकता नहीं है। This is very important. आपको सर ने कहा है कि अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो you don't need to necessarily need to be sitting ये आपको मदद कर सकते हैं मेडिटेशन करने। क्यों करते हैं? मन को नियंत्रित करने के लिए। मन को इसके बिना भी नियंत्रित कर सकते हैं। कई लोग हैं जिनका मन नियंत्रित है, कुछ लोग बड़े गुस्सेल है, उनको बहुत टाइम लगता है। मेडिटेशन करना कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है। आप बैठ के अपने काम जब कर रही है बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही है, पर मेडिटेशन के में
कोई और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो मेडिटेशन कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है. इंटरेस्टिंग जी. सो इसलिए कई लोग हैं जो कि मंदिर जाते नहीं, पूजा पाठ करते नहीं, मैं देखा हूँ. करेक्ट. बट वो स्पिरिचुअल है. वेरी ट्रू. यस. क्योंकि वो गरीबों को मदद करते हैं. दूसरों के लिए सहायता करते हैं. उनको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, मैं समझता हूँ. राइट. वेरी ट्रू जी. सबसे ज्यादा भगवान के रूप है तो माँ है. जो सबसे ज्यादा भगवान का कोई अगर मैनिफेस्टो रूप है, माँ. माँ. करेक्ट. पेट फाड़ के बच्चा पैदा करती है उदरस से. वो जब उसको रेयर करती है उस समय क्या वो सोचती है कि मेरे एडवर्टाइजमेंट हो? नहीं ना. वो क्या सोचती है मैं कितना किया बच्चे को लोग जाने? नहीं ना. वो बच्चे के आगे खड़े हुए जान देने के लिए. तो यहाँ स्पिरिट इज एक्सपैंडेड एब्सॉर्बिंग. राइट. इसीलिए ईश्वर को जानना बाद में, पहले जरा अपनी माँ को समझिए, बाप को समझिए. और ईश्वर को संत साधु संत का पैर बाद में पकड़ना, पहले बाप माँ के पैर पकड़ो जिन्हें पैदा किया. मैं ऐसे संत नहीं देखा वो पृथ्वी में जो कि घर में माता पिता को अनादर करके बाहर के भी संत बना हो, ये संभव नहीं है. मेरी कबीर का एक दोहा है ना, जो बेसिकली मुझे याद नहीं है, लेकिन जो इंसान अपनी माँ के आंसू ना पोछे और किसी और की माँ के आंसू पोछे, उस इंसान मतलब वो इंसान इंसान ही क्या. हाँ, नॉर्मल है. दी थ्योरी ऑफ ग्रेटफुलनेस इफ देयर समथिंग. अगर ईश्वर को अगर हमको पेड़ से पैदा करना था तो पेड़ से पैदा कर देते. करेक्ट. व्हाई डिड यू चूज दैट मदर एंड फादर? इनसे जो उंगली पकड़ के पेड़ से फाड़ के फर्स्ट बोलने से, फर्स्ट चलने को प्यार से पास फुला के करे, वो ईश्वर ने तो क्या है इन मैनिफेस्टेड फॉर्म. यू थिंक दैट समबडी सुदर्शन चक्र लेके पैदा करे क्या? नॉट नेसेसरी. यही ऑर्डिनरी आदमी, यही ऑर्डिनरी सोसाइटी में, इसी को हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहते हैं. हम बाकी किसी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं समझ पाते. ब्यूटिफुल. वेरी ट्रू. जो बात कही उन्होंने कि आप मंदिर ना जाओ, आप भगवान की पूजा ना करो, लेकिन अगर आपने किसी की मदद की, किसी की सहायता की, दैट इज द मोस्ट, दैट इज द एक्ट ऑफ काइंडनेस, या जो एक इंसान को स्पिरिचुअल या ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है. जी. एक्स्ट्रॉर्डिनरी का खोज नहीं होना चाहिए. अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई कहा तो कहा, ना कहा ठीक है. महाभारत पढ़ते हैं हम लोग सब. हम लोग को महाभारत में एक विशेष अंश है जिसमें कि दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़ा को अपहरण करना था, निकालने के लिए, उनको असम्मानित करने के लिए. जी. है ना. ईश्वर रूपी कृष्ण उस समय में क्या किए थे? उन्होंने उसके चारों तरफ वॉल नहीं बनाए. उन्होंने क्या करे, उस समय ईश्वर शक्ति कपड़ा बन के आ गया. गॉड बिकम क्लॉथ. यस. एंड सेव्ड एनर्जी. उस समय अगर बैठ के वहाँ पर रामायण पढ़ते कुछ ना होता. गरीब आदमी मर रहा है, खाना नहीं, रोटी नहीं है. आप वहाँ काहे के लिए जाए कि धर्मशास्त्र पढ़ रहे हो? उसको मंत्र करने से क्या होगा? उसको दो रोटी खिला दे, भगवान रोटी के फॉर्म में उसके अंदर चल जाएंगे. वाओ. बीमार आदमी पड़ा है. तो ये जितना राइचुअल खर्चा हम करते हैं ना, इसको हम कम कर दें और इसको मंदिर में राइचुअलिज्म करके गरीबों के लिए करें, उतना ही ईश्वरता है. बिल्कुल. तो जो बात सर ने कही वो ये है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे आप टाइम खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा जो मंदिर में बाहर बैठा जो गरीब इंसान है उसको अगर रोटी खिला दें, वहीं उसके लिए भगवान है, वहीं भगवान रोटी बन के उस इंसान तक पहुँच जाते हैं. दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट. लेकिन सर, आप डॉक्टर, आपके पास बहुत लोग आते हैं सवालों के साथ, और बहुत जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी बहुत सवाल होते हैं. आपके हिसाब से वो जो सबसे टॉप 3 सवाल कौन से होते हैं जो हर कोई आपसे पूछता है और हर कोई उस चीज़ की सर्च में होता है, और आप क्या उनको जवाब देते हैं? ओके. एक बार कोई एक मुझे, आई स्पीक इन अमेरिकन लैंग्वेज, व्हाट आई सेड, दे स्पीक इन सम मैनर, नॉट रॉन्ग बट इट्स अ स्टाइल, समबडी वाज यंग, वो ही मुझे पूछे थे कि मन, आदमी के मन में फंडामेंटल प्रश्न क्या है यूनिवर्स के बारे, अपने बारे में. करेक्ट. दे आस्क गॉड, हु द हेल एम आई, हु द हेल आर यू, एंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर. फंडामेंटल. मैं कौन हूँ, आप कौन है, हमारा क्या संपर्क, हम कर क्या रहे, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ये तीन प्रश्न है सबको. फ्रॉम द टाइम इमोरियल पीपल हैव बीन सर्चिंग द आंसर टू दिस. And that's how created saints, incarnations, and religions. Right.
और आप क्या जवाब देते हैं इसका? यही तो है प्रश्न, आपने कहा क्या तीन प्रश्न है, प्रश्न है ये तीन प्रश्न का उत्तर जो है संत लोग दिए होंगे कुछ कुछ, बट मेरे अनुसार दिए हैं जो कि आज के समाज चलने के लिए, पृथ्वी चलने के लिए काफी है, पर संपूर्ण प्रश्न का उत्तर मेरे अनुसार कहीं नहीं है। बिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स एंड कॉस्मस के अंदर एक पृथ्वी के ऊपर एक स्पेसिस को होमो होमोस्पेशियंस क्या कह सकते हैं संपूर्ण विश्व में हो क्या रहा है? हाउ कैन आई कैन नॉट थिंक ऑफ दैट। अगर कोई कह सकते हैं वो अति मानव होंगे, पर मैं समझ नहीं सकता। लेकिन एक सवाल आई थिंक ये भी बहुत पूछा जाता होगा कि भाई खुशियाँ, खुशी कैसे ढूंढे, हाउ डू यू फाइंड दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस इन लाइफ, और हैप्पीनेस होती क्या है एंड उसको कैसे पाएं? देखिए हैप्पीनेस और प्लेजर में फर्क है। करेक्ट। थॉमस हॉब्स इन राइटिंग दिस थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन, व्हाटएवर गिव्स प्लेजर इज गुड एक्सेप्ट, व्हाटएवर गिव्स पेन इज अवॉइड, दिस इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरीज of this land, Europe, pleasure pain, one. Secondly, a utilitarian principle, James Stewart and Bentham, here only in this country said, is greatest rule of the greatest number of people should accrue. Dono ka merge kare. But where is the fact of happiness here? It's pleasure. Yes. Happiness is a continuous state of mind. इट कैन बी प्लेजर ऑफ वन फैक्टर अदर। ओके चलिए और बताता हूँ, मैं कल भी बोल रहा था थोड़ा कि आपका इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए चार फैक्टर्स हैं, क्या है बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे, मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट, हाइस्ट क्वालिटी, हाइस्ट क्वांटिटी। आपने कहा ना मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम, हाइस्ट क्वालिटी, हाइट जो करेगा उसका बिजनेस है। आई एम वर्किंग फॉर ऑल कंपनी, आई नो व्हाट इट मींस बिसाइड पुलिस। ये यूरोप की हिस्ट्री में मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम में हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वांटिटी किसने प्रोड्यूस किया था? हिटलर इन जर्मनी, इजंट इट? राइट। एंड व्हाई डिड इट फेल? इट बिकॉज आई एम टेलिंग यू द प्रॉब्लम इज द एंड जस्टिफाइज द मींस इज नॉट द इशू। हिंदू महात्मा गांधी जो के हमारे थ्योरी कहता है मींस बट वी एथिकल सो द एंड इज एथिकल। अब आ जाओ इंडियन फिलोसॉफिकल अप्रोच। राइट। ओके तो लोग जो कर रहे हैं हैप्पीनेस के साथ करते हैं और एंड हैप्पीनेस के लिए जा रहा है या नहीं, तभी हैप्पीनेस होगा। आदर इज अ टेम्पररी प्रेजेंट, सो इट इज फॉर द पर्पसेस ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इट इज नॉट द ग्रेटेस्ट गुड, स्मॉलेस्ट नंबर, अ स्मॉलेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, एंड द फैक्टर दैट आई एम एडिंग इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। वाओ। ओके राइट। मैं ही बोलता हूं हैप्पीनेस करने के लिए देखो शेयरिंग से हैप्पीनेस मिलता है। हमारे माँ ने क्या से देखो सब समय जाओ, अगर कोई बोला, कोई गुस्सा होता है, झगड़ा होने जा रहे हैं, अपने मम्मी के पास जाओ, मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी कह रहे ऐसे पुत्र तू ऐसे कर, जाना नहीं, कम इंटरेस्ट हियर, एक खराब बात मत करना, उसको बोल लें तो भगवान रखेगी तो कहेगी ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल माँ ने बचपन में जो सिखाई थी वो क्या था? एसिमिलेशन, माफ करना, सहनशीलता। ऐसे क्यों होता है कि बचपन में हम तो समझ जाते हैं, उम्र के साथ हमारे पास क्यों नहीं आते जो हम बच्चों को सिखाते हैं? राइट। So there's a dichotomy for personality somewhere. मैं कल भी पूछ रहा था कि अगर human intellect इतना developed है with all the scientific and technological knowledge, तो first world war में 41 million आदमी मर गए, civilian army, तो second world war की जरूरत क्या पड़ गई 61 million मरे civilian army? Where was that intellect playing? वो intellect आज कहाँ पर है? This war-like atmosphere, everybody, people are talking with linguistic language. तो हमारे intelligence में अप्रोच कुछ कमी है। वो जो कमी है, वो happiness वाला theory हमारे जो means and end का justification। हमारा means अगर गलत है, and self-aggrandizement in a global society, nobody will be happy. Like First World War में theory was satiated, unsatiated nation theory था, तो भी First World War हुआ, अभी भी लोग they are not satisfied with what they given. जब तक ग्रीड कम नहीं होगा, पॉजिटिवनेस नहीं कम करा, यही होता रहेगा।
राइट लेकिन दिस इज ऑफ कोर्स ऑन अ वेरी ग्लोबल स्केल लेकिन जैसे हमारे जो व्यूअर इस वक्त बहुत से लोग हमारे व्यूअर जो टीवी देख रहे हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि ईगो आ जाता है एरोगेंस आ जाता है गुस्सा आ जाता है जो देश के लिए वो घर के लिए देखो देखो बता हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म करते हैं धर्म का रूट प्रिंसिपल क्या है मैं कल भी कहता धर्म एक संस्कृत भाषा से आया था सारे हिंदू जानते हो कि संस्कृत भाषा धर्म का रूट प्रिंसिपल एटिमोलॉजी ध्रुव धातु से इसका माने धारण करना हम अपने अंदर गुणों को धारण करें अच्छा बुरा दोनों को बैलेंस कर संतुलित करें हम परिवार में एक दूसरे को धारण के सह के त्याग करके हम समाज में धारण करें हम धारण करने का जब शक्ति नहीं तो धर्म कैसे हुआ पूजा पाठ धर्म नहीं है धर्म को लाने के लिए मन में प्रोसेस है वी आर पूजा पाठ जगराता ये सब जितने हैं दे आर प्रोसेस देर आर द एंड्स हम लोग क्या थे प्रोसेस और एंड प्रोसेस को एंड समझ के करते रहते हैं जी This is something that people should hear and know about. क्योंकि उनको लगता है कि अगर नहीं किया तो they feel incomplete or they feel that they've not been a good, you know, they've not been a good Hindu or a good whatever their religion may be. They feel कि उसका पालन नहीं कर रहे हैं वो. हाँ, ये कुछ विश्वास सामाजिक है, कुछ सामाजिक परंपरा रहना चाहिए, पर अंधविश्वास नहीं रहना चाहिए. अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, correct. सीधी सीधी. एक बात मैं बता दूं जो कि मैं लिखा हुआ है गुरु भागवत करके मैं लिखा हूं 20,000 लाइंस वन थिंग इज हम लोग लोगों के आशीर्वाद और अभिशाप क्यों ढूंढ रहे हैं अभिशाप क्यों डर रहे हैं हम डर के जाके पढ़ते हैं कि कुछ आशीर्वाद दे अरे जो आशीर्वाद देगा उसको कैपेसिटी होना चाहिए ना ऐसी अगर दुनिया आशीर्वाद से चला नॉर्मल से नहीं चला तो आशीर्वाद का लगा दो टेप्स एंड समथिंग लाइक दिस हमको किसके आशीर्वाद चाहिए हमारे पिता माता का चाहिए हमारा जो सही गुरु है हम ईश्वर से चाहिए हम काहे के लिए इधर तो ढूंढ रहे हैं हमें इनकम टैक्स के रेट पड़ी हो तो आशीर्वाद चाहिए हमारा दो नंबर की कर रहा आशीर्वाद चाहिए बच्चा कर आशीर्वाद चाहिए नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे अभिशाप दे देंगे उनका अभिशाप कैपेसिटी कितना है दुनिया अभिशाप से चलता है क्या अगर हम सत्यता ठीक है हमारे विश्वास है हमारे ऊपर ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा ये अंधविश्वास है इसको काटा जाए पहले आपने अंधविश्वास की बात की इतने हमारे देश भारत देश या यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर दीस गॉडमेन हु यू नो जो दिखाते हैं कि वो गॉडमेन है बट जब निकल के आता है दैट व्हाट दे आर अप टू इस अंधविश्वास के लोग हां अंधविश्वास मैं तो गुरु श्री गुरु भागवत 20,000 लाइन का लेखन नो 11 भाषा में कल में द हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन आई प्रेजेंटेड फॉर द पार्लियामेंट इसमें सब लिखा गया है डिफरेंशिएट कैसे करोगे एग्जैक्टली डिफरेंशिएट उसमें सब लिखा गया एवरीथिंग उसमें कितने प्रकार के होते हैं क्या होते हैं ये सब देखना पड़ेगा खुद को देखना पड़ेगा ए गुड स्टूडेंट विल सर्च फॉर गुड टीचर You must have the patience and intellect to find a good teacher. But he jumps into the fray just to quick and easy gain of knowledge and then thereafter this, then he will not. Guru jitna important, shishya utna important. Dono ka IQ ka mamla hai. Very true. तो आपने ऑफ कोर्स बहुत सी किताबें लिखी हैं यू नो ऑन स्पिरिचुअलिज्म ऑन ऑफ कोर्स यू नो साई बाबा यू नो हु यू हैव रेवरेंस टू सबसे बड़ी लर्निंग क्योंकि हमारे पास अभी शायद चार मिनट बाकी हैं सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या है यू नो अबाउट लाइफ जो आप हमको जो यू फील द पीपल मस्ट नो यस एक बात है कि ये आशा करिए कि आप अपने लिए करेंगे तो सुखी रहेंगे आपको दूसरों के लिए करना ही पड़ेगा If you don't do it by volition, through religion, समय ऐसे लाएगा बांध के आपको करेगा करना ही पड़ेगा संघ से आप करिए अभी से जितना है अपने मेंटल आप अपने बच्चों के लिए मॉडल बनिए आप सोचते हैं कि आप सारे उल्टा सीधा करेंगे बच्चे बढ़ जाएंगे होगा नहीं कभी नहीं होगा यू विल रिपेंट इन लास्ट लाइफ सेकेंड पॉइंट कभी नहीं होता एंड थर्ड है उतना पोजिशन रखिए जितने हैंडल कर सकते हैं लास्ट लाइफ इज विल बी हाउ हैप्पी यू आर हाउ योर बॉडी इज वर्किंग वो मत करिए कि वो फैल गया एंड फोर इज अवॉइड द अवॉइडेबल्स इन लाइफ देयर आर सो मेनी अवॉइडेबल्स व्हाई डू वांट टू गेट इनटू व्हिच यू कैन अवॉइड राइट कोई आवश्यकता है नहीं किसने कहा था उसने गुस्से से संभाल नहीं पा रहे एंड बेस्ट थिंग इज बी ऑर्डिनरी थिंक यू आर वेरी ऑर्डिनरी यू विल ऑल्सो डाई कितने बड़े काम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सब समय कि सर को नीचे करें घास के ऊपर आदमी चले घास नहीं मरता पेड़ तो गिर जाते हैं
कहीं ना कहीं तो आपको झुकना पड़ेगा ना. जितना झुकेंगे आप शायद उतर आएगा. झुकना जो है इट इज नॉट डिफिटिस्ट. राइट. नो नो, वी मिसअंडरस्टैंड. झुकना डिफिटिज्म नो नो, झुकना इज अ स्ट्रेंथ. जो कि बांध के आपको सबके साथ धागे में लगा देता. माँ क्या है, परिवार क्या, परिवार का डेफिनेशन आता क्या है, the external world is competition, house is cooperation. That's true. और लेकिन हम external competition world में इतना जीते हैं कि हम वो compassion भूल जाते हैं. जी. तो वो कैसे हम उस कंपैशन को एक तो खुद को पढ़ना पड़ेगा. इंटरनेट है. एक तो खुद को पढ़ना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल आस्ते. एक तो आदमी ढूंढना पड़ेगा जो आतर है. यू हैव टू डू अ कॉस्ट. यानी घर में बैठे के लगा दिया बोले वो सब नहीं होगा. सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आपको लिकर का एडिक्टिव छोड़ के करनी पड़ेगी, जो आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा. एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं होता ना, ये सब कुछ नहीं होता. एक्चुअल प्रैक्टिस करना पड़ेगा. गरीबों का बैठे गरीब आएगा तो कुछ देगा. यू आर नॉट गॉड. आपको करना है तो आप जाइए ना, कंबल लीजिए, दिल्ली के सड़क में घूमे, बहुत लगे झोपड़े पड़े दे आइए. एट योर कॉस्ट एट टाइम. आप सोचते हैं सब कुछ बैठ के लाइक सोशल गैदरिंग करेंगे उसमें तो ठीक है, मैगजीन में छप जाएगी, अखबार में छप जाएगी संडे को, बट अंदर तो कुछ नहीं हुआ. Very true, very true. Unfortunately, हमारे पास समय बहुत कम है और खत्म हो रहा है. We would love to hear you again. अगर आप वापस आए, it'll be great. Because इतने इतने सवाल हैं जो कभी खत्म नहीं होते. लेकिन before we go, एक जो मैंने आपके बहुत से quotes पढ़े हैं जो बहुत inspirational लगे हैं मुझे. आपका favorite, you know, एक जो एक quote हो या एक जो line हो या philosophy हो जो हमेशा आप बोलते हैं to our viewers, it'll be great if you can share it. आप और मैं सब एक एक दिया है, जल रहे. ईश्वर ने जब भी दिया दिया हमको कुछ भी, सिर्फ अपने लिए नहीं दिया. So, हमारे प्रयास रहे, चाहे बच्चे से लेके, परिवार से लेके, गरीबों से लेके, वो दिया थोड़ा हम दूसरों को जला सके, हाथ जोड़कर कि ईश्वर तुमने दिया तो तुम्हारे काम में करने के लिए, वही हमारे लिए सार्थक जीवन होगा. बहुत सोचता. थैंक यू सो मच सतपति जी. एंड उम्मीद करते हैं कि सब लोग आने आज आपकी बातें सुनी और केवल सुनी नहीं, उसको वो अपनाएंगे और उस पर वो एक्शन लेंगे. एंड दे विल यू नो लिव दैट लाइफ एज वेल. जैसे उन्होंने कहा, आप दिया बनिए, किसी के लाइफ में दिया बनिए, क्योंकि आप दिया जलाएंगे तो सामने सामने पाथ भी जल जाता है. यू नो इट लाइट्स द पाथ. सो बी अ लैम्प एंड बी हैप्पी, बी काइंड, बी कंपैशनेट एंड हैव अ लवली डे. दिस इज गरिमा कुमार साइनिंग ऑफ. धन्यवाद.